अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। और हमने ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर जो है वो एक पाव के करीब प्याज डाला है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है आपको दिखाते हैं। हमने इसको प्याज को जो है वो ब्राउन कर लिया, और अब हम ये करेंगे प्याज को निकाल के साइड पे कर लेंगे। हमने जी प्याज जो है वो निकाल लिया, और अब हमने इसके अंदर ऐड किया 3 से 4 जो है वो लौंग ऐड किए, और उसके बाद जो है वो काली मिर्च ऐड किया और ज़ीरा ऐड किया। अब इसके अंदर जो है वो हमने 2 से 3 जो है वो तेज पत्ते ऐड किए, और अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। हमने इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो पकाया जी अपने खड़े मसालों को, और अब इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करेंगे। और इसको ब्राउन होने देंगे। हमने जी चिकन का कलर जो है वो चेंज किया है, ब्राउन किया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं 1 चम्मच के करीब सुरख मिर्च, 1/2 चम्मच के करीब जो है वो हम हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके अंदर जो है वो हम 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया उसका पाउडर वो ऐड करेंगे, और नमक जो है वो हम तकरीबन इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च जो हमने काट ली थी, और इसके अंदर जो है वो हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही ऐड कर देंगे। और अब इसको पकाते हैं। हमारा जो चिकन है जी वो काफ़ी हद तक जो रेडी है, हमने इसके अंदर जो है वो काफ़ी पकाया इसको, और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं दही। दही हमने लिया था 1 पाव, और हम अब इसके अंदर जो है वो दही ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर जो है वो हम इसको पकाते हैं। प्याज को जी हमने किया था फ्राई, अच्छा सा ब्राउन किया था, और उसको सूखने के लिए जो है वो हमने निकाल के रख दिया था, और उसके बाद जो है वो हम उसको पीसेंगे। आप उसको पीसिएगा ग्राइंडर के अंदर, अगर नहीं भी तो हाथों से उसको अच्छे से जो है वो आप पीस लीजिएगा। अब जी हम इसका ढक्कन जो है वो उठाते हैं। हमने इसको फिर देर के लिए डांपा था, और इसका जो ढक्कन है अभी हमने इसको उठाया, और अब हम इसको ढक्कन उठा के पकाएंगे और थोड़ी तेज़ आंच करके पकाएंगे ताकि जो पानी है हमारा वो सूख जाए। अब जी इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर 2 अदर जो है वो और चीज़ें ऐड करेंगे। एक हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला, और 1/2 चम्मच के करीब जो है वो काली मिर्च। तो अब हम इसको पकने देंगे इसके अंदर। हमारा जो पानी है जी वो काफ़ी हद तक सूख चुका है, और अब हम इसके अंदर वो प्याज ऐड करेंगे जिसका हमने पेस्ट बना लिया था। पेस्ट आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, हमारे पास सहूलत नहीं थी फ़िलहाल, तो इस वजह से हमने जो है वो इसको हाथों से ही कूट लिया था। बाज़ार से भी जो है ये आपको पेस्ट आसानी से मिल जाएगा, आप बेशक वो ट्राई कर लीजिएगा। तो हमने इसके अंदर ये ऐड किया, और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाते हैं। और अब जी इसके अंदर जो हम अपनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसको पीस के, और इसके अंदर जो है वो फ्रेश लेमन तकरीबन 1 वो हम ऐड करेंगे, और इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे, और फिर आपको जो है वो डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारा जी जो कोरमा है वो हो गया रेडी। चेक कीजिए क्या ही खूबसूरत जो है वो इसका कलर आया, और टेस्ट हमने किया है, हमें तो कमाल का लगा। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।